दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1990 की पांच और फिल्मों के बारे में। पिछले दो वीडियो में हम 10 फिल्मों के बारे में बता चुके हैं आपको साल 1990 की। तो चलिए पांच फिल्मों के बारे में और बताते हैं, और बताते हैं इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर इनकी परफॉर्मेंस तक, ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और आपको बताते हैं इन पाँचों फिल्मों के बारे में। तो सबसे पहली फिल्म है स्वर्ग। 2 मई 1990 को आई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में गोविंदा, जूही चावला और राजेश खन्ना साहब मुख्य किरदारों में नजर आए थे। राजेश खन्ना साहब ने बड़ी ही बेहतरीन एक्टिंग की थी इस फिल्म में, और उनका तो अंदाज़ ही अलग था। जितनी भी फिल्में की इनकी, तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अपने करियर में जितनी भी फिल्में इन्होंने की, सभी फिल्में ज़बरदस्त थी इनके करियर की। और अगर बात करें फिल्म स्वर्ग की, तो इस फिल्म के गाने अच्छे थे, स्टोरी अच्छी थी इस फिल्म की। डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को। 2 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था इस फिल्म को, और इंडिया में इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 6 करोड़ रुपए की। और ये एक ड्रामा फैमिली फिल्म थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं दूसरी फिल्म के बारे में। दूसरी फिल्म है वीरू दादा। 6 अप्रैल 1990 को आई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब और अमृता सिंह मुख्य किरदारों में नजर आए थे। आर रेड्डी ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, और इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 60 लाख रुपये, और इंडिया में इस फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 5.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। तो तीसरी फिल्म थी दोस्तों प्रतिबंध। जहाँ दोस्तों ये फिल्म बहुत ही चर्चा में रही थी, चिरंजीवी जूही चावला की बढ़िया फिल्म थी ये। 28 सितंबर 1990 में आई थी ये फिल्म, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे रवि राजा। 2 करोड़ रुपये बजट था इस फिल्म का, और इंडिया में इस फिल्म ने 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 5.5 करोड़ रुपए की। और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं चौथी फिल्म के बारे में। तो चौथी फिल्म है घर हो तो ऐसा। ये फिल्म आई थी 27 अप्रैल 1990 को, और इस फिल्म में अनिल कपूर, मीनाक्षी मुख्य किरदारों में नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे काल पटारू। बजट था इस फिल्म का 1.5 करोड़ रुपए, और इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 3.5 करोड़ रुपए की। और ये एक ड्रामा फिल्म थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। पांचवी फिल्म है जीवन एक संघर्ष। 3 अगस्त 1990 को आई थी ये फिल्म, और अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की जोड़ी थी इस फिल्म में। राहुल रावल ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को। 2 करोड़ रुपए बजट था इस फिल्म का, और इस फिल्म ने इंडिया में 2.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ रुपए की। और ये एक ड्रामा फिल्म थी, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। थैंक यू।